देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए टीवी 9 भारतवर्ष। छब्बीस ग्यारह मुंबई आतंकी हमले में वांटेड पाकिस्तानी आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को यूएस अथॉरिटी ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हुसैन दो दिन पहले ही अमेरिका की जेल से रिहा हुआ था, लेकिन अब यूएस अथॉरिटी ने फिर लॉस एंजलिस से उसे गिरफ्तार कर लिया है। भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण की मांग भी कर रहा है। आपको बता दें कि तहव्वुर हुसैन पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली का सहयोगी रहा है और उसने 26/11 आतंकी हमलों की साजिश में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तहव्वुर ने एक याचिका लगाई थी जिसमें उसने कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी। इसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। अब अमेरिकी एजेंसी ने हुसैन को भारत द्वारा लगाए गए आरोपों के चलते गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने हुसैन पर पूरा ध्यान रखा हुआ था, जिसके चलते उसे एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के पूरे सहयोग के साथ पाकिस्तानी कैनेडियाई नागरिक के प्रत्यर्पण के लिए ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने में लगी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की गिरफ्तारी पर बयान देते हुए शुक्रवार को कहा कि डेविड हेडली ने अपने बयान में दावा किया था कि वो तहव्वुर हुसैन का एजेंट है। राज्य सरकार आतंकी के प्रत्यर्पण के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी। हुसैन की जेल की सज़ा दिसंबर 2021 में पूरी होने वाली थी, लेकिन उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया था। मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा को जूरी ने 10 जून 2011 को दोषी ठहराया था। हुसैन को डेनमार्क के अखबार पर हमले की साजिश रचने और लश्करे तैयबा की मदद करने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था। राणा पिछले करीब 10 साल से अमेरिका की जेल में ही कैद था। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा पर आरोप है कि उसने आतंकी समूहों की मदद की थी। हुसैन ने सजा के पहले जेल से निकलने के लिए खुद को कोरोना संक्रमित होने की बात कहते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद उसे जेल से रिहा भी कर दिया गया था। गौरतलब है कि मुंबई आतंकी हमले में 160 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, इसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस आतंकी हमले को लश्करे तैयबा के 10 आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया था। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। आपको बता दें कि कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवडा जेल में फांसी दी गई थी। इतना ही नहीं, जांच में पता चला था कि राणा मुंबई आने के बाद ताज होटल में भी रुका था और यहीं से उसने हमले का पूरा प्लान तैयार किया था। इसके बाद नवंबर 2008 में मुंबई में हमले हुए थे और आतंकियों के मुख्य निशानों में से एक ताज होटल भी था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष। आपसे बना वजूद मेरा, आपसे मैं हूं, मैं आपका मुन्नू हूं अब्बू। ईद पर घर ना आ पाया, पर याद आई गले मिलने पर वो इत्र वाली खुशबू। इस शहर में मैं तन्हा नहीं हूं अब्बू, दुआ आपकी मेरे साथ है। जिस सर बाप का साया हो उस जिंदगी की क्या बात है। बेशक मैं दूर हूं आपसे इस शहर में, पर आपसे जुदा नहीं। दुआ जो मांगी आपके लिए वो कबूल ना हो ऐसा मेरा खुदा नहीं। एक उम्र के बाद शायद माँ बाप बच्चे हो जाते हैं, फिर बेटा बाप और बाप बेटे कहलाते हैं। ऐसी किस्मत किस्मत वाले पाते हैं। मैं जो था जो हूँ या जो भी रहूँगा, लगते जिगर हैं आप मेरे, बस इतना ही कहूँगा। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।